नमस्कार नमस्ते प्रधानमंत्री जी। जी, मेरा नाम अंकिता खत्री है और मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यों में भी सक्रिय हूँ। इस समय आपकी प्रेरणा से सोशल मीडिया पर कुछ क्रिएटिव करो ना के हैशटैग के साथ एक अभियान का आरंभ किया है मैंने, जिसमें काशी के विभिन्न रचनाकारों कलाकारों को आह्वान कर रही हूँ अच्छा, और इस आपने भी अवधि मेरी तरह का पोस्टर दिखा दिया। सब आपकी प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी ही प्रेरणा से इस अभियान का आरंभ किया है। और इसमें काशी, चूंकि हमेशा से रचनात्मकता, आप स्वयं इतने रचनात्मक हैं, सकारात्मक हैं, ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी मैंने कहीं सुना था कि जो रचता है वो ही बचता है, तो काशी के समस्त रचनाकारों को क्या मैं क्या आह्वान कर क्या रही बड़ा हूँ कि अच्छा वे वाक्य एक बोले आप। क्या बोला आपने? जो रचता है वो बचता है, वाह। तो ये मैंने कहीं सुना था। तो आपकी प्रेरणा से इस अभियान का आरंभ किया है, इसके अंतर्गत काशी के विभिन्न रचनाकारों को, लेखकों को, कवियों को, चित्रकारों को आमंत्रित कर रही हूँ और प्रयास रहेगा कि ये जो 21 दिवस का जो काल है उसमें उसका संकलन हो, उसका प्रकाशन हो और आपको हम सब काशी की ओर से समर्पित कर सके। किंतु एक गृहिणी के रूप में मेरी एक सवाल है और एक चिंता है जिसे आपसे साझा करना चाहती हूँ। लॉकडाउन की इस अवधि में सारे बच्चे घर पर हैं और बच्चों को संभालना एक बड़ा दुरूह कार्य, एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है हम सबके लिए। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके एग्जाम प्रभावित हुए हैं। मेरा खुद का बेटा 12वीं का बोर्ड दे रहा था और एक पेपर उसका स्थगित हो गया है, तो घर वालों को थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी, ऐसे में क्या किया जाए? अंकिता जी, पहली बात तो आप रचनात्मक काम, क्रिएटिव एक्टिविटी, इसको बल दे रही हैं और इसका जीवन में एक अलग ऊर्जा उसके कारण रहती है। लेकिन आपने कहा कि सब रचनाकारों का आप इकट्ठी कर रही है, मेरी विनती है किसी को इकट्ठा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे पहली बात है। हाँ, आप ऑनलाइन सबसे अपनी कला उसका मांगिए, आप संकलन कीजिए और कल्पना अच्छी है, जो इस भाव के लोग हैं उनकी रचनाएं, उनकी चीजें जरूर देश को काम आएगी। और ये सही है कि आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना ही मानव जीवन की विशेषता है। इन दिनों सोशल मीडिया में आप लॉकडाउन का एक और प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। ये सही है कि पहले संयुक्त परिवार होता था तो बच्चों को संभालने का काम दादा दादी कर लेते थे, आज जरा छोटे परिवार हो गए तो मुश्किल स्वाभाविक है। लेकिन आपने देखा होगा टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो पर इसे लेकर कई नए नए शो बन रहे हैं। हमारे देश के मीडिया में भी क्रिएटिविटी है, उन्होंने लोगों को एंगेज रखने के लिए, लोगों को घरों में है तो क्या करना चाहिए, बड़ा अच्छे ढंग से इतने कम समय में उन्होंने किया है। और एक लॉकडाउन के में नई नई बातें वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस सबके बीच मेरे मन को कुछ और बातों ने भी बहुत प्रभावित किया है। मैं देख रहा हूं कि मानव जाति कैसे इस वैश्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आ गई है, और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें चार चार पांच पांच साल के बच्चे माता पिता को समझा रहे हैं कि कैसे हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बालक समझा रहे हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाएं इस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। मैं ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर, मैं काफी बिजी एंगेज रहता हूं, कभी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सामान्य जन से जुड़ता हूं, तो इन दिनों मैंने देखा कई परिवारों ने अपनी इस प्रकार की चीजें अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर रखी है।
और घर में बच्चों की वीडियो बना बना करके वो, और अब तो मोबाइल फोन पर बन जाती है। मैंने जो देखी है, मैं कोशिश करूंगा वो अगर डिलीट ना हो गई हो तो मैं इसको इकट्ठा करके जरूर आज शेयर करूंगा। आपने अच्छा आइडिया दिया है, एक दो दिन में जरूर मैं कर दूंगा, अगर आज मौका मिला तो आज कर लूंगा। और आप सब देखिए, जरूर देखिए, ये बहुत बड़ी, बच्चों ने कैसी कमाल कर दी है पता चलेगा। आपको याद होगा जब मैंने स्वच्छता की बात की थी, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, तो आपने हर घर में देखा होगा बच्चों ने एक तरह से इस अभियान की कमाल संभाल ली थी। आज के बच्चों की, आज की युवा पीढ़ी की ये शक्ति मुझे तो बहुत प्रभावित करती है। मैं उनकी टैलेंट, उनका सोचने का तरीका, मुझे बड़ा आनंद आता है। हां, कुछ माता पिता को ये चिंता सता रही होगी कि इतने लंबे समय तक घर में रहने पर कहीं बच्चे ही उन्हें बिठाकर पढ़ाई करवाना शुरू न कर दे, उनको यही डर लग रहा है। वैसे, और मुझे पक्का विश्वास है, ये बच्चे अपने माँ बाप को कुछ कुछ पढ़ा के रहेंगे, 21 दिन में बहुत कुछ सिखा देंगे। वैसे साथियों, मैं नमो ऐप पर आप सबके सुझाव और फीडबैक भी निरंतर पढ़ रहा हूं। श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, मुकेश दास जी, प्रभांशु जी, अमित पांडे जी, कविता जी, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से ये सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन को सख्ती के साथ और लंबे समय के लिए लागू किया जाए। केवल आप ही नहीं, पूरे देश से आप ही की तरह हजारों प्रबुद्ध नागरिकों ने भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस महामारी से निपटने के लिए यही सलाह दी है, अपील की है। जब हमारे देशवासियों में खुद से ही ये संकल्प, ये समझदारी हो, इस चुनौती से जूझने की ये दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश इस महामारी को जरूर जरूर हराएगा।